नमस्ते, विश्व पुस्तक मेला में आपका स्वागत है। हमारी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहली बात कि वाणी प्रकाशन स्टॉल से हमारी दो पुस्तकें आप ले सकते हैं। पहला कविता संग्रह एक ऐसी दुनिया की तलाश में और दूसरा संग्रह एक नागरिक का दुख। ये दो कविता संग्रह वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। एक नागरिक का दुख अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है और इसके बाद बोधि प्रकाशन से एक कविता संग्रह है, हर मिनट एक घटना है। दूसरे प्रकाशक हैं साहित्य भंडार इलाहाबाद के, जो पत्थरबाज नाम के पुस्तक कविता संग्रह प्रकाशित किया है, वो भी उपलब्ध है। और इसके अलावे न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने चयनित कविताओं का संग्रह निकाला है पिछले दिनों, वह भी पुस्तक मेला में उपलब्ध है। इसके अलावा आलोचना से किताब यश पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है, शब्द साक्षी हैं। और कानपुर से अमन प्रकाशन ने सदी की चौखट पर कविता आलोचना की पुस्तक प्रकाशित हुई है। ये किताबें अवश्य आपको प्राप्त होंगी, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। क्योंकि पुस्तक मेला में आना संभव नहीं हो पा रहा है, मैं अधिकांशतः पटना पुस्तक मेला की यात्रा करता हूँ, दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला में नहीं जा पाता हूँ, अभी तक नहीं गया हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है। और काफ़ी ठंड है और छुट्टी की भी कमी है, कुछ पारिवारिक दिक्कतें हैं, इस वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा, इसका मुझे खेद है। लेकिन आप चाहें तो वहाँ से किताबें प्राप्त कर सकते हैं। और किताबों की सूचनाएं सोशल मीडिया से मिलती रहेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आप सब स्वस्थ रहेंगे और अवश्य वहाँ जाएंगे तो एक नज़र देखेंगे कि किताब कैसी बन पड़ी है और क्या इसमें खास है। चूंकि हर कविता संग्रह एक दूसरे कविता संग्रह से बिल्कुल भिन्न होता है, एक राव की कविता नहीं होती, मेरा ऐसा मानना है। तो ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये आपको देखना है कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। मैं आलोचना सुनने के लिए भी तैयार हूँ और थोड़ी तारीफ भी सुनने को तैयार हूँ। तो जैसा बन पड़े आप देखिए, पढ़िए और लीजिए, ये निवेदन है, आग्रह है, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। आजकल बहुत सारी कविताएं छप रही हैं, वैसे में उन कविताओं के ढेर में अच्छे कविताओं का चयन करना और अच्छी पुस्तकों का चयन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है पाठकों के लिए और साहित्यकारों के लिए भी। तो ऐसे में जो तथाकथित नाम हैं उनके भी संग्रह जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन सब अच्छे नहीं होते, ये मेरा मानना है। मेरा भी हो सकता है कि सब अच्छा ना हो, लेकिन जो अच्छा है वो मेरी तो लीजिए ही, औरों को भी लीजिए, मेरा आग्रह है। जो अच्छा लगे उसे जरूर लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है। नमस्ते।